हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज का सीज़न है, ठंड के टाइम में बहुत आसानी से ऑरेंज मिल जाती है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी ऑरेंज कैंडी बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और कई वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे, और मुझे आप लोगों को ये भी दिखाना है कि ये रेसिपी फेल होती है या पास, इसका टेक्सचर कैसा होता है, ये सब मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ठंड का सीज़न शुरू हो चुका है तो ऑरेंज तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दो संतरे का बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे। और उसके बाद ये संतरों के ऊपर जितने भी ये वाइट लेयर है, ये रेशे हैं, ये सब हमें बहुत अच्छे से निकाल लेने हैं। तो ये देखिए, इसकी जो पूरी स्किन थी वाइट वाली, जो रेशे थे, वो मैं सब में से हटा चुकी हूँ। और अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ मैंने ली है 1 कप चीनी, ये है मेरा 240 ml का 1 कप। आप देख सकते हैं इसमें चीनी के जो दाने हैं ये बहुत मोटे वाले हैं। इसको मैं एक बार मिक्सी में चला लूँगी, इसका पाउडर नहीं बनाऊँगी, बस एक बार इसको मिक्सी में पल्स में चला लूँगी ताकि थोड़ा सा बारीक हो जाए ये देखिए। और इस चीनी को हमें करना है कैरेमलाइज। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे चीनी को कैरेमलाइज करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आपको तवे पे चीनी डाल देनी है और चीनी एकदम से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ मैं तवे को कर चुकी हूँ गरम, और आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, और मैंने गैस को अब कर दी है कम, और इस पर अब हम डालेंगे चीनी। इसको हम तवे पर इस तरीके से फैला लेंगे। और इसको हमें तब तक नहीं छेड़ना है जब तक हमारी आधी जो चीनी है वो मेल्ट ना हो जाए। मोटी चीनी जो होती है वो मेल्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैंने उसको एक बार पल्स में पीस लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा चीनी ने मेल्ट होना शुरू किया है। इसको हम बिल्कुल अभी छेड़ेंगे नहीं, वरना इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। साइड साइड से भी थोड़ी देर में अपने आप ये सब मेल्ट होने लगेंगी चीनी। गैस की फ्लेम को जल्दबाजी में बिल्कुल भी मीडियम या हाई ना करें, इसको लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे कैरेमलाइज होने दें ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए चीनी अब थोड़ा ज़्यादा इधर इधर से भी मेल्ट होने लगी है। जहाँ आपको लगे कि आपकी चीनी की मोटी लेयर फैली है तो उसको आप इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करके पतली लेयर कर दें ताकि एक जगह ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी इकट्ठी ना हो। चीनी कैरेमलाइज करने का जो मेन प्रोसेस है वो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीनी बिना पानी के बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से मेल्ट करनी है कि वो क्रिस्टल भी ना हो। यहाँ देखिए, अब ये इस तरफ भी ये थोड़ी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। इसको हम थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि किनारे की भी चीनी हमारी मेल्ट होने लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। चीनी हमारी आधी आधी पक चुकी है, तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके बाकी जो हमारी चीनी मेल्ट नहीं हुई है उसको मिक्स करना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं चलाना है कि हमारी चीनी फिर से जम जाए, क्रिस्टलाइज हो जाए। तो ये देखिए, हमारी जो चीनी है वो पूरी अच्छी तरीके से कैरेमलाइज हो चुकी है, सब कुछ मेल्ट हो गया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, पर इसको हमें और अभी पकाना है। यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, आप देख सकते हैं ये अभी फैल जा रहा है। इसको हमें थोड़ा सा तब तक पकाना है कि इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी आ जाए, इस तरीके से ये बहता हुआ एकदम लिक्विड ना रहे। मैं इसकी फ्लेम अभी भी लो ही रखूँगी, आपको फ्लेम हाई नहीं करना है वरना ये चीनी जल जाएगी।
मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी चीनी रेडी हो गई है या नहीं। थोड़ा सा ड्रॉप मैं डालूँगी पानी में और आप देख सकते हैं ये जम चुकी है। तो यहाँ हमारी चीनी हो गई है रेडी और इसमें अब हम डालेंगे वन TSP घी। आप यहाँ पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा 1/8 TSP से भी थोड़ा सा यहाँ मैंने डाला है काला नमक। इसको हम चीनी में ही मिक्स कर लेंगे। और हमारे जो संतरे हैं वो स्लाइसेस मैं डालने वाली हूँ इसमें। और इसको हम अच्छे से संतरे में मिक्स कर लेंगे। हर तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। अगर आपको ये तवे में इजी ना लगे तो आप यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ गैस की फ्लेम मैंने कर दी है बंद और इसको कोट करके हम निकालेंगे एक बटर पेपर पे या फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल पे भी इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा अलग अलग करके इन सारे संतरे के स्लाइसेस को हमें रखना है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। जो ये चाशनी है बहुत ही ज़्यादा गर्म है इसलिए इसको बिल्कुल भी हाथ से ना निकालें। और इसको अब मैं रखूँगी फ़ैन के नीचे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए। तो यहाँ हमारी जो संतरे की स्लाइसेस है वो ठंडी हो चुकी है। इसको अब हम कोट करेंगे पाउडर शुगर में। एक एक स्लाइस को लेके अच्छे से हर तरफ से कोट कर दें। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीनी को कैरेमलाइज करके उसमें संतरे के स्लाइसेस डाले हैं तो ये भी एकदम गज्जक की तरह कड़क हो गई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी भी सॉफ्ट ही है। बस आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल भी रस या कुछ भी जूस हाथ में नहीं चिपक रहा है। और इस तरीके से सारे स्लाइसेस रेडी करके इसको हम रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 20 से 25 मिनट कैंडी को फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी हमारी फेल है या पास, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो देखी है ऑरेंज कैंडी की, किसी ने जो थंबनेल होता है वो कुछ लगाया है और रेसिपी में कुछ दिखाया है, और जिसने भी रेसिपी बनाई है उसने लास्ट में कभी भी कैंडी को उठा के या आपको दिखा के नहीं बिल्कुल भी दिखाया है कि ये किस तरीके से है। तो आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये ऑरेंज होता है, इस तरीके से ये सॉफ्ट, हर तरीके से ये मुड़ जाने वाला, ये अभी भी सेम वैसा ही है। और यूँ कह लीजिए कि आप ऑरेंज कैंडी बनाने के चक्कर में अपने घर में लाए गए ऑरेंज को वेस्ट ना करें और उसको ऐसे ही खा ले बजाय उसके ऑरेंज कैंडी ट्राई करने के। मैंने ये रेसिपी इसीलिए ट्राई की थी कि हो सकता है ये थोड़ा सा कैंडी या टॉफ़ी जैसा कुछ बनता होगा, पर ये बिल्कुल भी फेल रेसिपी है। तो आप इस तरीके की रेसिपी में बिल्कुल भी ना फंसें। तो और मेरी ये रेसिपी आप लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, सिर्फ इसलिए ये पूरी रेसिपी बनाई है सेम प्रोसेस से जैसा कि मैंने कई वीडियो देखा था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि रेसिपी तो मैं नहीं बोलूँगी पसंद आने के लिए क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आई है, तो अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ कमेंट करना हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।